नमस्कार। शुरुआती नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि तिल कितना महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए, कितनी ऊर्जा है उसमें, उसके खाने से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी ताकत मिलती है, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, बी कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह के तत्व हैं जो आपकी बॉडी को तनाव से दूर रखते हैं, आपको मानसिक दुर्बलता से दूर रखते हैं। इसीलिए आप मानेंगे कि आयुर्वेद में बहुत पहले से हमारे समाज के अंदर, हिंदुस्तानी समाज के अंदर, काले तिल का, सफेद तिल का और लाल तिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका अलग अलग फायदा होता है और तिल का तेल उससे भी ज्यादा फायदेमंद होता है। हम आज आपको बताते हैं कि कितना फायदामंद है बवासीर के अंदर तिल। तिल का नियमित सेवन करने से पुराना बवासीर जो है वो ठीक हो जाता है। बवासीर की समस्या होने पर प्रतिदिन 2 चम्मच काले तिल को चबाकर खाइएगा और फिर ठंडा पानी पी लीजिएगा, इसमें आपको आराम मिलेगा। तिल का तेल गाढ़ा होने के कारण इससे मालिश करने पर यह तेल त्वचा में आसानी से मिल जाता है, जिससे यह त्वचा के अंदर के शरीर को पोषण करता है, उसे ताकत देता है, उससे आपके शरीर में ऊर्जा बनती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से काम करता है और क्षतिग्रस्त जितनी कोशिकाएं आपकी हो चुकी है उनको ठीक करता है और मरम्मत करके दोबारा से उनको जीवन देता है। एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबैक्टीरियल है आपकी बॉडी के अंदर, अगर कहीं घाव है ठीक नहीं होता है तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि तिल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको आराम मिलेगा, सूजन में आराम मिलेगा, सोराइसिस में, एक्जिमा में, इस तरह की परेशानियां अगर आपको हैं तो बहुत आराम मिलेगा। और जलने पर भी तिल का प्रयोग किया जा सकता है, जले हुए स्थान पर देसी घी और कपूर के साथ मिलाकर जले हुए स्थान पर इसका अगर आप लेप करते हैं तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, अगर आपके बच्चे का सोते समय रात को बार बार पेशाब आता है और आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समस्या से तिल आपको निजात दिला सकता है। इसके लिए भुने काले तिलों के गुड़ को साथ मिलाकर खाएं, गुड़ का लड्डू ले लीजिएगा, बच्चे को यह लड्डू रोज रात में सोने से पहले खिलाइए, वक्त साथ को रोते वक्त उसको पेशाब नहीं आएगा, आपकी मानसिक दुर्बलता को दूर करता है, बुद्धिवर्धक है, पोटेशियम है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें। प्रतिदिन लगभग 50 ग्राम तिल खाने से कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तिल के सेवन से आपकी मानसिक दुर्बलता दूर होती है। और कब्ज की अगर शिकायत है किसी को तो तिल उसमें बहुत फायदा करती है। 50 ग्राम तिल आप भून लीजिएगा और उसे फिर कूट ले आप, इसमें चीनी मिलाकर खाइए, इससे आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। खांसी आने पर तिल का सेवन कीजिए, खांसी ठीक हो जाएगी और तिल में मिश्री को पानी में उबाल कर पीने से खांसी दूर हो जाती है। पेट में दर्द होने पर 1 चम्मच काले तिल चबाकर ऊपर से गुनगुना पानी लीजिए, ऐसा करने से आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आपके कान में दर्द है तो तिल के तेल में लहसुन की 3-4 कलियां भून लीजिएगा और उसकी तेल की 2-3 बूंदे कान में डालिए, कान का दर्द ठीक हो जाएगा। हींग और सौंठ डालकर गर्म किए हुए तिल के तेल की मालिश से कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा आदि सब ठीक होते हैं। तो इतनी सारी चीजें, इतने ज्ञान, इतने फायदे हैं तिल के, तो हम समझते हैं कि तिल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तो मौसम है, इस मौसम में अगर आप तिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप इस मकर संक्रांति पर काले तिल के लड्डू बनाइए और खाइए, आनंद लीजिएगा। जी हाँ, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, हमें शेयर कीजिएगा और टिप्पणियां तो आपका हक बनता है, आप टिप्पणी कर ही सकते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।